नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। सूर्य ग्रहण, ये खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। बड़ी कवरेज हमारी आज सूर्य ग्रहण को लेकर। हालांकि देखिए, जो सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है भारत में, वो दिखेगा नहीं, लेकिन 1:32 से लेकर शाम 5 बजे तक भारतीय समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण जो दुनिया के कई देशों में देखा जाएगा। लेकिन जब भी ग्रहण का मौका होता है तो कहीं ना कहीं एक बहस जो छिड़ जाती है कि आखिरकार नजरिया ग्रहण को देखने का क्या हो, वैज्ञानिक या फिर एक नजरिया जो आस्था ग्रहण को लेकर देती है। और साथ ही आस्था की तरफ से जो नजरिया ग्रहण को लेकर दिया जाता है उसके साथ कई सावधानियां जोड़ दी जाती हैं, सतर्क रहने के कई बिंदु उसके साथ लगा दिए जाते हैं, तो ये बहस जो है वो बड़ी हो जाती है। और ऐसे में आज इस सूर्य ग्रहण के मौके पर एबीपी न्यूज जो बड़ी पेशकश आपके लिए लेकर आया है, उसमें हमारे साथ वैज्ञानिकों का पैनल होगा, हमारे साथ धर्मगुरु होंगे और समझेंगे उनसे कि आज के इस सूर्य ग्रहण को आखिरकार किस तरीके से देखा समझा जाए। आज सूर्य ग्रहण है और संयोग देखिए, आज ही के दिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा जो है वो अपना पहला अंतरिक्ष यान सूर्य स्पर्श लॉन्च करने वाला है। इस साल का आखिरी और तीसरा सूर्य ग्रहण आज, लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा। और करीब 3:28 का ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक 1:32 से शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म होगा। तो वहीं सूरज की तरफ जाने वाले नासा के पहले अंतरिक्ष यान की उल्टी गिनती जो शुरू हो गई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नासा का अंतरिक्ष यान आज भारतीय समय के मुताबिक 1:03 पर लॉन्च होने जा रहा है। तो क्या नासा अपनी आज के इस प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल कर पाएगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा जो अपना पहला अंतरिक्ष यान सूर्य स्पर्श लॉन्च करने वाला है, और आज जो है वो इस साल का आखिरी तीसरा सूर्य ग्रहण, ये नासा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज जो अंतरिक्ष यान सूर्य स्पर्श नासा लॉन्च करने जा रहा है उसमें महज चंद मिनटों का इंतजार और रह गया है। 1:03 का वक्त है जब नासा इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करेगा, मतलब महज 2 मिनट बाकी रह गए हैं। 1:03 पर ये अंतरिक्ष यान सूर्य स्पर्श जो लॉन्च होना है, इसी पर बात कर लेते हैं हम। हमारे साथ दो वैज्ञानिक जो स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, सचिन भांबा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मनीष मोहन गोरे हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन भांबा जी, नासा का ये अंतरिक्ष यान सूर्य स्पर्श, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, सूर्य हमारा अपना तारा है, हमारे जीवन का स्रोत है, और उसके बारे में जानना और उसके बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम समझ सकें कि सूर्य और पृथ्वी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं वो खाना सूर्य की रोशनी से बनाते हैं, सूर्य के बिना वो, रोशनी के बिना वो चल नहीं सकता। हमारा वेदर, स्पेस वेदर, हमारे आसमान में होने वाली, हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाली सभी चीज़ें सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो सूर्य की स्टडीज़ अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्ट लेने लगी हैं। सिर्फ नासा ही नहीं, भारत भी आदित्य मिशन के रूप में अपने कुछ मिशन जल्दी ही सूर्य के लिए भेजने वाला है। हम लोग समझना चाहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य आपस में कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारा वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे यहाँ का मौसम, सब कुछ सूर्य पे होने वाली चीजों पर डिपेंड है। मैं डॉक्टर मनीष गोरे, मैं ये समझना चाह रही हूँ, देखिए सूर्य जिसके बारे में अगर मोटे मोटे तौर पर हम जाना चाहें तो इतना गर्म, इतनी गर्मी जिसकी सतह पर कि कुछ पहुंच नहीं सकता, और नासा की तरफ से सूर्य स्पर्श मतलब सूर्य को छूने वाला, तो ये कैसा अंतरिक्ष यान होगा, जरा इसके बारे में बताइए। भारत भी आदित्य मिशन के रूप में सूर्य के बारे में जानने की कोशिश करता रहा है, और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही आकर्षण की बात है कि हमारा जो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है, जिस पे हमारी पृथ्वी का जीवन निर्भर है, उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां मौजूद हैं, वहाँ का जो तापमान सतह का वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है वो करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस है, और उसके भीतर हाइड्रोजन और हीलियम दो प्रकार के तत्व हैं जिनके आपस में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसकी जो ज्वाला है, उसकी जो ऊष्मा है जी, वो हमें हम तक आती है, वो बहुत है। कम, मैं, कम मैं होते समय बता दूं दर्शकों को, देखिए आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर भी, जो उस वक्त देख रहा है 1:03
हो रहा है इस वक्त, और किसी भी पल नासा की तरफ से वो तस्वीरें साझा की जाएंगी जब ये अंतरिक्ष यान सूर्य स्पर्श जो लॉन्च किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है डॉक्टर सचिन भांबा कि क्या ये अंतरिक्ष यान सूर्य की सतह तक पहुंचेगा या फिर एक फासले तक ही रहेगा? देखिए, सूर्य से करीब लाखों किलोमीटर दूर तक टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है जी। तो सूर्य स्पर्श का मतलब यह है कि हमें ये उम्मीद नहीं है कि वो सूर्य की सतह को जाकर के स्पर्श करेगा। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यान इतना भीतर जाए और भीतर जाकर के हमें वहाँ होने वाले चीजों, फिजिकल फिनोमिना, वहाँ प्रेजेंट एलिमेंट्स, वहाँ का टेम्परेचर, उसके बारे में हमारे को और ज्यादा ज्ञान दे, खासकर आयोनाइज्ड गैसेस। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे को डाटा कौन सी स्टेज तक मिल पाता है। जनरली हम जितने भी अपने ऐसे यान भेजते हैं वो लैंग्वेज इन पॉइंट्स तक रखते हैं ताकि वहाँ पे यान सूर्य का चक्कर लगा सकें, हमें बता सकें सूर्य के बारे में। लेकिन इसका पर्पस सूर्य को जा करके टच करना है, और सूर्य को टच करने का मतलब सूर्य कोई एक ठोस सतह नहीं है, एक आयोनाइज्ड गैस है जो बड़ी तेजी से हमारी तरफ ऊष्मा, गर्मी और लाइट जो है वो भेज रही है, और उसी की सारी स्टडीज करने के लिए इस पूरे यान के अंदर संयंत्र लगाए गए हैं जो हमें विशिष्ट रूप से बताएंगे कि सूर्य के अंदर चलता क्या है। ताकि बिल्कुल, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार कितने नजदीक तक सूरज के पहुंच पाता है नासा का ये अंतरिक्ष यान जिसको नाम दिया गया है सूर्य स्पर्श का। और देखिए, स्टूडियो में दो और खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ज्योतिष आचार्य पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही आचार्य डीपी शास्त्री ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र शर्मा जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत करूं, सर आज का जो सूर्य ग्रहण है वो तो भारत में दिखेगा भी नहीं, ऐसे में उसका असर भारत में होगा क्या? देखिए, सूर्य एक ही है, हमारा सूर्य एक है और पृथ्वी भी एक ही है, और जो आदमी भी, मनुष्य भी, देखिए जितने हैं वो पृथ्वी के वासी हैं। अब सूर्य ग्रहण कहीं भी होता है, विश्व में कहीं पर भी होता है, और यथा यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, तो उसका कहीं ना तो पूरे ही पृथ्वी पर उसका सब कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा, वहां अधिक होगा जहां ये चाइना में, रशिया में, जहां मास्को में दिखाई, तजाकिस्तान इत्यादि क्षेत्रों में वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कम होगा। फर्क ये कि उसका प्रभाव जरूर होगा हमारे जीव जंतुओं पर भी होगा, थोड़ा बहुत प्राणी मात्र पर भी। और तो मतलब आचार्य डीपी शास्त्री जी की कम ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन प्रभाव तो होगा ही, क्योंकि सूर्य जो है वो तो इस ब्रह्मांड की सत्यता है। देखिए, सूर्य राजा है, सूर्य के लिए मंधाता इत्यादि सूर्य वंश बड़े तपस्या किए हैं, और सूर्य के लिए बताया गया कृष्ण रईसा मृतवानो निवसिन्न मृतो मृतंज हृणेन सविदारथेनो देवो याति भुना निपसिन्न सूर्यायनमा। सूर्य को हम उपासना करते हैं, 12 नाम से सूर्य को जाना जाता है। हमारे यहाँ सूर्य प्रणाम भी है, सूर्य नमस्कार भी है, बल्कि आज का जो विषय ज्योतिष का इसमें जुड़ा हुआ है कि आज जो ग्रहण इत्यादि लगा है, ग्रहण का प्रभाव कहाँ और कहाँ नहीं है, तो जम्बू महाद्वीप में, जम्बू क्षेत्र में, एशिया का जो मैंने अंश पड़ता है उसे में प्रभाव इसका नहीं है, छाया मात्र भी प्रभाव नहीं है, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम पूरा विश्व, अगर मेरा सनातन परंपरा में हमारा परिवार है तो जहाँ कष्ट है वहाँ तो उनको कष्ट है। तो उसी के लिए हम इस पे चर्चा करें कि जो आज शनि अमावस्या है, सबसे बड़े जाने शनिवार के दिन का अमावस्या है, अश्लेषा नक्षत्र है, व्याघात योग है, और कर्क में कैंसेरियन साइन में चंद्रमा का प्रभाव है, और अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य का ट्रांजिट भी है। मैं जरा सा आपको रोकूंगी, तस्वीरें नासा से जरा दिखा देते हैं। देखिए, नासा जिसने अपना पहला अंतरिक्ष यान सूर्य स्पर्श लॉन्च किया है, ये इस वक्त अंतरिक्ष यान को आप जाते हुए देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सूर्य के बेहद करीब पहुंचेगा ये अंतरिक्ष यान। The port and starboard booster engine shut down. 2 seconds later, the boosters are jettisoned. At 5 minutes 36 seconds, propellant levels deplete and the main engine shuts down. 7 seconds later, the Delta IV separation system activates to release the first stage. At 5 minutes 55 seconds, the first Delta cryogenic second stage, or DCSS main engine burn, begins. At approximately 6 minutes 5 seconds, the payload fairing is jettisoned. At 10 minutes 37 seconds, cutoff of the DCSS engine, or MECO-1, occurs. At 22 minutes 25 seconds, the DCSS main engine is restarted for the second burn. Approximately 14 minutes later, second cutoff of the DCSS main engine occurs. Following a 30-second coast phase, the third stage is separated. 20 seconds later, the third stage is ignited.
Approximately 1 minute 29 seconds later, burnout. जी तो ये जो नासा का अंतरिक्ष यान है जो सूर्य को स्पर्श करने के मिशन पर निकला है, इसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है। और आपको बता दें कि सूर्य की सतह के जितना ज्यादा करीब हो सके उतना ये जाने की कोशिश करेगा और जो राज हैं वातावरण से जुड़े हुए सूर्य के उसकी जानकारी को जुटाने की कोशिश जो नासा की तरफ से की जा रही है। सचिन जी, ऐतिहासिक है ये? जी बिल्कुल ऐतिहासिक है। आज से पहले सूरज के इतना करीब किसी यान को भेजने के लिए कभी ट्राई नहीं किया गया। बहुत मेहनत से इस यान का जो फेस सूर्य की तरफ जाने वाला है उस पर करीब 4 इंच मोटी एक खास कार्बन फाइबर की परत लगाई गई है जो करीब 1400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली है। और इस तरह की जो कोशिश है वो पहले कभी नहीं की गई है। हमें नए एलिमेंट्स, उनकी पॉसिबिलिटीज़ पता लगेंगी। खासकर इस फ्लाइट से हमारे को जनरली जो अपने यान हम जिनको स्पेस में भेजते हैं वापस बुलाते हैं उनकी भी हीट कैपेसिटीज़, हीट बियरिंग कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हम अभी तक ये तो जानते हैं सूर्य से रोशनी और हमारे को बहुत तरह का किरणें आती हैं, लेकिन सूर्य की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आयनोस्फीयर को उसी जगह पे रखने के लिए। इनफैक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आए तो हमारे मोबाइल फोन्स और हमारे इंटरनेट के सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करने के लिए इस यान में खास यंत्र डाले गए हैं और ये यान अपनी तरह का पहला अटेम्प्ट करने जा रहा है इतने ज्यादा टेम्परेचर में। बड़ी बात जो यहाँ पर सचिन जी कह रहे हैं, देखिए सूरज तक इंसान का ये पहला मिशन है, इसीलिए ये बेहद अहम हो जाता है। और इसका मतलब ये कि सूर्य को जितना स्पर्श कर पाएगा ये अंतरिक्ष यान जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, जो वातावरण है प्रचंड तापमान वाला सूर्य का, उस वातावरण को किस हद तक टटोल पाएगा ये बड़ी चुनौती नासा के इस अंतरिक्ष यान के सामने। हमारे साथ जो धर्मगुरु दो मौजूद है स्टूडियो में, बताइए आचार्य जी, हम यहाँ पर प्रभाव की बात कर रहे हैं, नासा जो है उसने तो अपना यान भेज दिया है वातावरण को टटोलने। हम एक चीज आपको बता रहे हैं, देखिए 22 वर्ष हनुमान जी सूर्य के सानिध्य में विद्या ग्रहण किए हैं। वाल्मीकि रामायण इसमें लिखता है हनुमत सर्व धर्मज्ञ सर्वकार विधायक। आज जो नासा कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, पूरा विज्ञान साइंस इसमें लगा हुआ है, उसको हनुमान जी स्वतः किए हैं। हनुमान जी जाकर के वहां जो स्वाध्याय किए हैं, वहां करने के बाद जो आए हैं, आज जो हमारी पुराण में मानस इत्यादि उठा करके हम देखते हैं, वाल्मीकि जी हजारों वर्ष पूर्व जो अपने लिखे हैं, भगवान के गुणगान किए हैं, उसमें हनुमान जी को सब कुछ लिखे हैं, उन्होंने दिया कि हनुमान जी जाकर के उस कर्म को करके फिर पुनः आए, और आने के बाद समुद्र इत्यादि लांगने की जो प्रक्रिया है वो भी हम लोग सब स्वाध्याय करके पढ़े हुए हैं। लेकिन नासा तो इसको कर रहा है। अब सचिन जी और हनुमान जी की ये बता दूं, आस्था के सामने तो कोई तर्क नहीं। आ रही हूं आपके पास पंडित जी, आपके पास आ जी जी। देखिए जहाँ तक ये बात है कि आप अपनी फिलॉसफी में और अपने विचारों में जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी, जिस मर्जी को जो मर्जी कह दीजिए, जिस मर्जी को जो मर्जी रूप दे करके उसको समझ लीजिए, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि इतने देर तक जैसा इन्होंने क्लेम किया कि हनुमान जी वहाँ रहे हैं, हमें सूर्य के बारे में नॉलेज क्यों नहीं है? हनुमान जी ने वो नॉलेज या उन्होंने वो नॉलेज छुपा के क्यों रखी? आखिर नॉलेज दिया, सुनो ये अग्नि तत्व है, इसके गर्भ में अग्नि है, इसके गर्भ में अग्नि है, और सारे ये उसके लिए सारे जाने की जरूरत नहीं थी। पंडित जी सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूं। देखिए नवनिधि के दादा, देखिए ये तो जानवरों को भी, एक मिनट सचिन जी पहले सुन लेते हैं क्या नॉलेज दी गई है, ये बता। प्रभाकर खगाय ये पर्याय है, और इसके देखिए इसको कहा कि जगत को, सारे संपूर्ण जगत को, ब्रह्मांड को चलाने वाला, और ये अविरुद्ध, इनकी चाल अचल, ये कभी रुकते नहीं है, ये गतिमान रहते हैं, सारा ब्रह्मांड सो जाए, सारे स्त्री पुरुष, लेकिन इनका ये हमेशा जागृत रहते हैं। ऐसा हमारे जो सूर्य स्रोत है, आदित्य हृदय स्रोत है, हमारे ऋषि मुनि अगस्त ऋषि ने सारा कुछ कह डाला सूर्य के, और जो अग्नि और तपिश, कहा क्या ये तो बता दीजिए जी, कहा क्या ये तो बताइए। हाँ यही हम बता रहे हैं कि देखिए उस समय अगस्त ऋषि जब, जिस समय थके चूर हो गए थे रावण युद्ध में, मैं थोड़ा सा बता दूं, राम और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था, तो अचानक रावण राम जी के सामने प्रकट हो गया, ये उस वहां का प्रकरण है। तो अगस्त मुनि आए, वो भी युद्ध देखने आए थे, अब युद्ध देखने और देवी देवता आए, तब उन्होंने ये सूर्य स्रोत का, सूर्य ये अदिति हृदय स्रोत उन्हें चारा सुनाया। पंडित जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप मुझे वो ज्ञान साइंटिफिक रूप में दे दें, मैं नासा को भेज दूं,
बेचारे इतनी प्रोब इतना पैसा लगा करके ये चीजें भेज रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए साइंस के छोटी छोटी चीजों। सचिन जी एक प्रश्न मैं करूंगी, पैसा है एक मिनट एक जानकारी में दे दूं, उसके बाद आप लोग ये बहस आगे रखिएगा। जो पैसे की यहाँ पर बात की है, तो ये जो नासा का ये अभियान जो है अंतरिक्ष यान जो भेज रहा है नासा सूर्य स्पर्श करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब, इसमें $1.5 अरब नासा खर्च कर रहा है। जी जवाब दीजिए। जी $1.5 अरब को मैं करोड़ों में कन्वर्ट करूं तो करीब हजारों करोड़ रुपया हम लोग लगा रहे हैं छोटे छोटे फिजिकल चीजों को समझने के लिए। और ये भारत का भी मिशन है, मिशन आदित्य। जी आदित्य, ये ज्ञान अगर हमारे पास है तो हम प्रोब करी क्यों रहे हैं? मैं बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा, मैं ये समझ नहीं पाता। विज्ञान में अगर कोई भी चीज किसी भी देश को पता लगती है वो सारे देशों के लिए मिल जाती है और उसका फायदा सभी को मिलता है। माइथोलॉजी में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद आज तक आम आदमी को उसका फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप हमारे को दे दीजिए निकाल करके, आप जनरल फिलॉसफी की बातें मत कीजिए। ये सबको पता है कि सूर्य गर्म है, ये तो जानवरों को भी पता है सूर्य गर्म है, सुबह उठते हैं तो सूर्य में आ जाते हैं, सूर्य चलता है ये सभी को पता है। जब तक विज्ञान ठीक तरह से नहीं भी पढ़ते थे तब भी लोगों को, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनको पता था कि ये चीजें आसमान में घूमती हैं। हमारे दिन सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि यानी पांच ग्रह और सूर्य और चंद्रमा ये सातों। एक प्रश्न का जवाब, एक सिर्फ एक, मैं आज आपसे भी चार प्रश्न पूछूंगा पंडित जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा, आप मुझे सूर्य से आने वाली रोशनी के सातों के नाम बता दीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। जवाब आप अपने किसी भी माइथोलॉजी की बात की है, मैं कह रहा हूँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, देखिए ठंडे से आप सिर्फ एक ही बड़ा कॉमन सा सवाल है और ग्रैंड से जुड़ा हुआ है और सब पूरे एशिया और पूरे भारतवर्ष में ही आपके साइंस क्षेत्र में गर्भवती स्त्रियों पर सूर्य या चंद्र ग्रहण का प्रभाव या कुप्रभाव को मानते हैं या नहीं? डू यू बिलीव अपॉन दिस और नॉट? प्रभाव होता है विज्ञान की नजर में, क्या ये जो ग्रहण लगता है चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण भी यहाँ पर पंडित जी ने जोड़ दिया है, आप लोगों को लगता है कि इसका प्रभाव होता है? देखिए मैं इसका जवाब ना मैं दूंगा और एक मिनट के लिए मुझे एक्सप्लेन कर दें, आज के बाद पब्लिक को भी पता होगा कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए कोई चीज अगर आपके सामने फुल्ली एक्सपोज्ड है तो मैक्सिमम लाइट रोशनी और किरणें आ रही हैं, अगर उसके सामने चंद्रमा जाकर के उसको ढक दे तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाएं कि उससे आने वाली किरणें रुकेंगी या और ज्यादा आएंगी। मैं तो हैरान हूं जब भी ये बातें सुनता हूं कि पहले तो ये मानते हैं कि आकर के चंद्रमा ने सूर्य को ढक दिया, हालांकि इनको तो ये पता है कि शायद राहु या केतु में से कोई आकर के सूर्य को खा गया, ये भी विज्ञान ने बताया कि असल में चंद्रमा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जब रोशनी हम तक आई नहीं रही, वो वक्त तो ऐसा वक्त है जब एक्चुअली आप सनलाइट की हार्मफुल किरणें, तो उसका प्रभाव नहीं है, गर्भवती प्रभाव नहीं है, कोई के साथ प्रभाव नहीं है। आप एक बारी भी कोई स्टडी दिखा दे, बर्निंग एग्जांपल, इसके बर्निंग इसके ज्वलंत उदाहरण है। आप अभी अभी कोई ज्यादा देर नहीं है, किसी भी स्त्री कोई भी स्त्री जहां पर यह ग्रहण पड़ रहा है, और यह उस समय भी मैंने चुनौती दी थी चंद्र ग्रहण पर, यह जो 27 जुलाई को पड़ा, कि वो उसको सुला के देख लें और या उससे कोई चीज कैंची चाकू से, पंडित जी गौर करना आचार्य जी, कोई भी कैंची चाकू या धारदार चीज से वो सब्जी या कपड़ा वस्त्र इत्यादि कटवा के देख लें, पता चल जाएगा। एक मिनट, जैसे आपने चैलेंज किया मैं साथ ही चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी गर्भवती स्त्री आज सो के भी देख ले, कुछ काट के भी देख ले, कोई दिक्कत आए तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके मुझे बताएं कि कोई दिक्कत आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछली बार भी ये बता चुका हूँ कि मैं रशिया में जब सूर्य ग्रहण, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 7 दिन और 7 रंग सूर्य के किरणों की वेद और वेदांत में मिला है जी, और राजा राम का वंश रघुवंश जो रहा है इसी सूर्य की उपासना करके जी, जो ज्योतिर्लिंग इत्यादि हम दर्शन करते हैं सावन के महीना चाहे बराबर दर्शन करते हैं, ओमकारेश्वर महा टेम्पल में सूर्य ग्रहण के शक्ति को उन्होंने अनुमान लगा करके और शिव और सूर्य को नमस्कार करके भगवान शिव को स्वयं प्रकट किए, 7 रंग के बाद 8वां रंग आपका क्या है और 28 नक्षत्र के बाद आपका उसके बाद नक्षत्र क्या है, ये चीज आप बताएं ना। क्योंकि प्राणांत देखिए, प्राण का जो अंश है वो सूर्य है और चंद्र है, इसको ज्योतिष मानता है, दिवा का रात्रि और रात का रात्रि दोनों के हम लोग एक एक पार्ट में ज्योतिष इस चीज को माना है, पराशर भी माने और जैमिनी भी माने, और सूर्य वंश के राजाओं का उल्लेख है, आपके पिताजी, आपका परिवार, आपका धर्म और आपकी परंपरा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सूर्य को नहीं मानता है। आप धर्म और अंधविश्वास को मिला रहे हैं, हम धर्म के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ अंधविश्वास को मतलब धर्म के साथ मिला रहे हैं। सुनिए,
धर्म की विचारधारा अलग है, विज्ञान की अलग है, ज्योतिष अलग है। ज्योतिष और विज्ञान दोनों का जो एक पहला जो सवाल है कि दोनों के मन में जिज्ञासा है, प्रकृति का जो भी रहस्य है उसको लेके उसे एक जिज्ञासा है। ज्योतिष और विज्ञान दोनों के मन में। ज्योतिष जी का जो मार्ग है वो काल्पनिक है, वो किसी नतीजे पे तुरंत पहुंच जाता है। विज्ञान उसको शोध करता है, उसके विश्लेषण करेगा, तब कोई नतीजे पहुंचता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। पंडित जी कह रहे हैं कि विज्ञान जो है सारा द्वंद इसी बात का है, किसी नतीजे पर पहुंचता है, और ज्योतिष जो है वो काल्पनिक तरीके से बात कर रहे हैं। विज्ञान जिसको देखे, ज्योतिष विज्ञान काल्पनिक बात करता है, कहानी बनाता है। विज्ञान जिसको ठोकता है ना, शोध के नतीजों पे उसका निष्कर्ष बताता है। आपका जो ब्रेन है उसमें हजारों जो आपके नसें हैं, जो आपके पूरे बॉडी को पार्ट को चलाता है, विज्ञान बताता है। देखिए सूर्य सिद्धांत है, सूर्य का सिद्धांत है। आप भी पढ़े लासा तेलिए का नियम, हम लोग भी उस चीज को कहीं ना कहीं पढ़े हैं। बाकी इस चीज को देखें, सूर्य को सबने माना है। पृथ्वी के अंदर आप पढ़ते हैं आकर्षण शक्ति है, वो खिंचती है, आपने बताया खिंचती है। और पृथ्वी को आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने अभी बात की कि रामायण में ये है, आप मुझे ये बताएंगे योजन कितने किलोमीटर होता है? आपको देखिए जुग सहस्त्र योजन पे भानु, जुग सहस्त्र योजन पे भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। हनुमान जी की उसी चौपाई के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बड़ा खूबसूरती से इसी दोहे में पृथ्वी और सूर्य की खूबसूरत दूरी बताई गई, उसमें योजन 80 किलोमीटर है। अब इंटरेस्टिंगली अगर उसी बात को हम जब देखें तो हनुमान जी जब श्रीलंका कूदे तो करीब 80 योजन कूदे, तो 80 × 80 6400 किलोमीटर। यानी हनुमान जी अगर कूदते भारत से तो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में गिरना चाहिए था, क्योंकि 6400 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई चीज साइंस बता देती है उसको अपने रूप से प्रस्तुत करना बहुत आसान है। चलिए जो बात आप कह रहे हैं, सचिन जो बात कह रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। आपको बताते चले कि इतिहास आज रचा जा रहा है, क्योंकि नासा पहला अंतरिक्ष यान सूर्य को स्पर्श करने के लिए अपना पार्कर सोलर प्रोब जो भेजने वाला है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये 7 चक्कर सूर्य के लगाएगा 2024 तक, और ऐसे में हमारे साथ वैज्ञानिक भी मौजूद है, धर्मगुरु भी मौजूद है। हम आपके सामने अलग अलग नजरें रख रहे हैं, आपकी जो भावना जैसी भावना उसके अनुरूप आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, क्या सावधानियां बरतें, ये भी जानेंगे हम धर्मगुरुओं से। सूर्य ग्रहण है आज, और आपको बता दें सहयोग देखिए, आज ही के दिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा जो अपना पहला अंतरिक्ष यान सूर्य स्पर्श करने के लिए लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता देते हैं ये सीधी तस्वीरें जो इस वक्त आप नासा से देख रहे हैं। अंतरिक्ष यान ये जो है वो सूरज की सतह से 40 लाख मील की दूरी से गुजरेगा, और फिलहाल आपको ये बता दें कि अभी लॉन्च होने में इसके कुछ देर हो सकती है, क्योंकि नासा की तरफ से जानकारी ये दी जा रही है कि कुछ दिक्कतें फिलहाल आ रही हैं। और बड़ी चुनौती ये कि इस अंतरिक्ष यान को सूर्य की गर्मी से कैसे बचाया जाए, इसके लिए नासा की तरफ से उपाय कई किए गए हैं। इसे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस किया गया है, जिसकी मदद से इसके अंदर का जो तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस रखने में मदद मिलेगी। तो इसे लॉन्च होना था 1:03 पर भारतीय समय के अनुसार, लेकिन फिलहाल देरी हो रही है, दोपहर का 1:30 बज चुका है, और अभी देखना होगा कि आखिरकार कब लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका का फ्लोरिडा जहां से इसे लॉन्च किया जाना है वहां इस वक्त सुबह के 3:35 हो रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें ट्विटर पर नासा की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी आई है जिसकी वजह से देरी हो रही है इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में। तो ये जानकारी नासा ने ट्विटर पर साझा की है कि तकनीकी खराबी की वजह से कुछ जानकारी जिसकी वजह से अभी लॉन्च होने में दिक्कत हो रही है। दो वैज्ञानिक जो लगातार आज की इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं, सचिन जी कुछ तकनीकी खराबी आ रही, किस तरीके की दिक्कत हो सकती है जो ये डिले? देखिए बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट बात है कि एक जो रॉकेट है वो असल में एक बॉम्ब है, एक इतना बड़ा बॉम्ब जिसको हमने ब्लास्ट करना है और उसको कंट्रोल वे में एक ही डायरेक्शन में भेजना है। और ये तो 4 हैवी रॉकेट्स हैं जिसकी मदद से इसे जाना है। इतने हैवी रॉकेट्स एक साथ वहां से चलाने हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या सारी की सारे कंपोनेंट्स ठीक से बिहेव कर रहे हैं? पहले तो सिर्फ रॉकेट के बारे में अगर बात करें तो क्या रॉकेट के सारे कंपोनेंट ठीक हैं? क्या रात भर जब वो ला करके खड़ा किया गया उस वक्त अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से कोई दिक्कतें तो नहीं आई? कहीं रॉकेट का कोई फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा कि आग लगाते ही वहां पे कोई धमाका हो जाए?
यहाँ से लेकर के अंदर काम करने वाले उपकरण, क्योंकि इस तरह की चीज जो इतनी दूर भेजी जा रही है और पहला अटेम्प्ट है, नासा चाहेगा कि जितने उपकरण हैं वो सब बढ़िया तरीके से काम करें। इसके सिवा सबसे बड़ी दिक्कत मौसम, कि वहां पे इस वक्त मौसम कैसा है, क्या सब कुछ ठीक है ताकि उसको लॉन्च किया जा सके। नहीं, लेकिन डॉक्टर मनीष, यहाँ जो दलील नासा की तरफ से दी जा रही है वो मौसम की खराबी की बात नहीं की जा रही है, वो तकनीकी दिक्कत की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। सचिन जी ने जिसके बारे में डिटेल में बताया कि जो उसके अंदर की फ्यूल हैं और उसके जो पूरी केमिकल एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ एक प्रॉपर सेटलमेंट हो जाए तब उसको लॉन्च करें। हमारे यहाँ लग्न है, हमारे यहाँ लग्न उसे कहते हैं लग्नाधिपति योगम, भयाघात योग में अभी जो आप कर्म कर रहे हैं पूरा उसी को देखें, अगर दूसरे परंपरा में देखें तो उन्होंने उसको लग्न निकाल करके करने का है। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कैंसेरियन में राहु और चंद्रमा का जो प्रभाव है, दोनों राहु और सूर्य का जो प्रभाव है, जो राशि का प्रभाव है, कर्क राशि में राहु भी और सन भी है और चंद्रमा का भी ट्रांजिट उसमें हो रहा है, नक्षत्र में भयाघात जो योग उसमें बना हुआ है, कहीं ना कहीं मानसिक का तापमान बहुत ज्यादा है। आचार्य जी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं आचार्य जी कब तक लॉन्च होगा, बार बार क्यों आ जाता है, बताइए ना। एक देखिए, कम से कम एक घड़ी का जो हमारा प्रभाव है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कम से कम चौथा हिस्सा उसको लग सकता है, ये घड़ी के चौथा हिस्सा में जाके होगा। नहीं नहीं, आपके मतलब आप कितने बजे होगा, आप चौथा घड़ी पंडित जी, चौथा घड़ी मतलब अभी अभी डेढ़ बज रहा है। हाँ, डेढ़ बज रहा है ना। हाँ। तो कम से कम 48 मिनट अंदाज बताएंगे, अंदाज तो सही होता ही है। आप 48 मिनट के चौथा भाग लीजिए ना, हम आपके साथ है। बल्कि एक चीज आपको बता दें, आपके दिमाग में भी आपके बुद्धि में भी है, आप बिल्कुल साथ में बैठे हैं, आपके दिमाग बुद्धि को भी संचालन करने का काम ग्रह और नक्षत्र ज्योति के चरण से है। अच्छा, तो मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं, 1:32 हो गया है, मतलब सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण उसकी शुरुआत हो गई है, शाम 5:01 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा, लेकिन बड़ी बात ये कि भारत के अंदर ये सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा, और ऐसे में प्रभाव को लेकर भी ये कहा जा रहा है क्योंकि भारत में दिखेगा नहीं, आंशिक सूर्य ग्रहण है वैसे भी, तो इसलिए प्रभाव इसका भारत में कम होगा। और देखिए यहाँ पर बड़ी बात जो आचार्य डीपी शास्त्री कह रहे हैं कि ये शुभ घड़ी नहीं थी, इस वजह से नासा जो है वो इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में कामयाब हो नहीं पाई, और आगे वो ये कह रहे हैं कि 48 मिनट के बाद, समय दे रहे हैं यहां पर आचार्य जी कि 48 मिनट के बाद ये यान लॉन्च कर पाने में नासा सफल हो जाएगी। तो 48 मिनट के बाद पंडित जी आप भी मान रहे कि 48 मिनट में दिक्कत दूर होगी, मतलब आज ही लॉन्च हो जाएगा नासा का यह अंतरिक्ष यान? 6:30 सुनो पंडित जी, 4:30 से राहु काल है, शायद वैज्ञानिक ये भी नहीं माने, 4:30 से शुरू होगा राहु काल और 6:00 तक रहेगा, तो 6:00 के बाद जो 48 मिनट होंगे, और उससे पहले हो गया तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, उस बात के देखिए, जो मुहूर्त की बात देखिए सुरेंद्र जी, तो राहु काल भी नहीं मानते। चीज में आपको एक चीज, राहु ने जल्दी कर दिया, आप यहाँ बैठे, आपका प्रोग्राम चल रहा है, पूरा विश्व इसको देख रहा है, एबीपी न्यूज का धन्यवाद मैडम का, आप सब लोग के योग से हम लोग बैठ के कर्म को पूरा कर रहे हैं, ये कर्म आपका पूरा होगा, बल्कि आपकी जो मनोवृत्ति है जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जितेन्द्रियम बुद्धिवतम वरिष्ठम, आप हनुमान जी से शुरू किए थे, इंद्रियों को वशीभूत और इंद्रियों को चलाने के काम ज्ञान इंद्रिया से कर्म इंद्रिया हनुमान जी संचालन करते रहे, और कितना नासा जो रिसर्च किया है वो कितना उन्होंने खुद अपने जीवन में करके त्रेता में दिया है, और द्वापर में आप भी पूजा कर रहे, आपका पूरा परिवार करता है, आज जो लोग हमारे साइंस के लोग आप लोग जो नासा की तरफ से जो ट्वीट किया गया है दर्शकों को हम वो दिखा रहे हैं, एट दिस टाइम आर पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च टीम इज इन अ no-go status as we await further details. Teams are investigating a condition. Watch live updates. मतलब वो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी जो हमारी स्थिति बनी हुई है इसमें हमारा ये जो अंतरिक्ष यान है पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च उसकी टीम जो है वो no-go status में, मतलब अभी हम इसे भेज नहीं सकते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी जो टीम है वो जांच कर रही है कि आखिरकार दिक्कत क्या हो रही है। और एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दे दें, हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान आचार्य डीपी शास्त्री मौजूद हैं,
उनकी तरफ से कैलकुलेट करके वो कह रहे हैं 48 मिनट के बाद ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब जब उन्होंने ये बात कही उसके हिसाब से अगर 48 मिनट जोड़े जाए तो टाइम पहुंचता है 2:12। आचार्य जी मैं सही कह रही हूं ना, मतलब आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 2:12 पर या उसके बाद नासा इसे लॉन्च कर पाएगी? और अगर बात तो कितना आप समय दे रहे हैं बात का? नहीं बिल्कुल कर पाएगा, जो जो उन्होंने मेहनत की। कर पाएगा आप समय दीजिए ना। नहीं 48 मिनट समय दे रहा हूँ ना। अच्छा 48 मिनट के बाद, मतलब 2:13-2:12 के बाद हो पाएगा आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर पाएंगे वो। 2:13 के बाद करेंगे। बाकी एक चीज आपको हम बता दें, देखिए मैं एज ए वैज्ञानिक एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ही लंबा चौड़ा सा एक टाइम का स्पैन रख दिया गया है कि 48 मिनट में कभी भी हो जाए या उसके बाद भी कुछ एक दो मिनट में हो जाए। 48 मिनट में नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि 48 मिनट के बाद होगा। ये बताया जाए कि किस वक्त होगा तो कुछ बात समझ में आए। और वो एक के लिए नहीं, देखिए एक तो तुक्का और 10 तो बात। आप इसके बाद अगर मुझे 10 लॉन्चेस ठीक से बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपके पास कुछ समझ है इस बात की। वरना सुनिए साइंस और सुनिए देखिए साइंस और सूडो साइंस में यही फर्क है। हर बार हर सेकंड में जब मैं ठीक से कोई बात प्रिडिक्ट करके बता पाऊंगा तो साइंस, और अगर जनरली एक टाइम स्पैन दे करके या जनरली कोई बात कह करके मैं उसको जनरली ही समझा पाऊंगा तो सूडो साइंस। हम ये एग्जैक्टली यही बात बोलते आए हैं कि साइंस को मिनट मिनट सेकंड टू सेकंड एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है, तो आप भी मिनट टू मिनट सेकंड टू सेकंड हिसाब दीजिए। आप समय बताइए, आप समय बताइए कितने बजे लॉन्च होगा? मैं आपको 48 मिनट बोला उसमें होगा। हाँ। और डॉक्टर साहब के मैं क्वेश्चन के उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। प्रोग्राम के साथ हम बैठे हैं। हाँ। आपकी जीवन की जितनी भी इससे जुड़ी हुई समस्या है, मैं सीपी क्रॉट प्लेस में बैठता हूँ, हम आपको मेडिकल साइंस के तरह आपको प्रूफ करके प्रमाणित ग्रंथ के साथ दूंगा। पंडित जी जब से मैंने साइंस पढ़ी है मेरी कोई समस्या ही नहीं है। पंडित जी मेरे को कोई समस्या नहीं है, मेरी सारी समस्याएं साइंस हल कर देता। देखिए वो कहावत है ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। ऐसे में कार्यक्रम जो है हमारा वो 2:30 तक चलना है। यहाँ पंडित जी की तरफ से जो टाइम दिया गया, मतलब 2:13-2:12-2:15 तब तक हम इंतजार करेंगे कि क्या ये जो कहा जा रहा है पंडित जी की तरफ से उनका अनुमान सही साबित होगा या नहीं। अभी यहाँ पर इसकी जांच हो जाएगी। हमारे साथ पंडित सुरेंद्र शर्मा जी भी हैं। आप भी समय बताएंगे कब लॉन्च होगा? नहीं देखिए समय तो अब देखिए जो इस वर्तमान समय तो ये अशुभ समय है जो वर्तमान है। और जहां तक तीर और तुक्के की बात वैज्ञानिक साहब ने कही, ज्योतिष बिल्कुल अपने आप में एक्यूरेट है, बिल्कुल सटीक है। क्योंकि यदि देखिए पहली बात हम कहेंगे अगर हनुमान जी के प्रकरण तो 49,000 पवन की वैरायटीज, 49,000 किरणें ये लिखित में है, शास्त्र में है। जो सूर्य प्रदान करता है, हवाओं की जितनी भी क्वालिटीज वैरायटीज हैं वो 49,000 है जो सूर्य भगवान की बदौलत है। सूर्य हमारे भगवान है, पंचदेव में पांचवे गणेश जी, शंकर भगवान, दुर्गा मैया और उसके बाद विष्णु भगवान, देन सूर्य भगवान हमारे भगवान है। और अब यहाँ पर बात करें यदि इसकी तो देखिए सीधी सी बात जानते हैं। ये जो हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, हम सूर्य ग्रहण के प्रभाव की बात कर रहे हैं, आचार्य जी आप इसकी जानकारी दीजिए। एक तो आप ही लोग बता रहे हैं कि देखिए क्योंकि ये नजर नहीं आएगा इसलिए इसका प्रभाव कम रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं सूतक लगा है, हम ये देख रहे हैं सूतक भी लगा हुआ है और मंदिरों के कपाट भी खुले हुए हैं। ऊपर से आप लोग कह रहे हैं कि देखिए इसका प्रभाव होगा, गर्भवती महिलाएं जो है वो खास ध्यान रखें, तो ये बहुत विरोधाभास सामने आ रहा है। एक चीज है ना, जम्बू दीपे भरत खंडे भारत वर्षे अष्टाविनशित तमे उगे, जम्बू दीप में इसका कोई प्रभाव नहीं है। जब सात दीप पे होता होता तो क्या होता, सात दीप पे पहले सुने पर पूरा करें, अष्टाविनशति तमे कलियुगे, 28वां कलियुगे चल रहा है, इसके पहले भी युग संसार में रहा है और ग्रहण का प्रभाव जीवन में रहा है, योग नक्षत्र भी रहा है, हम रहे या ना रहे सब रहा है। बल्कि ये चीज बताए, जब जम्बू दीप में प्रभाव नहीं है, इसका एशिया महाद्वीप में प्रभाव नहीं है, सूतक यहाँ पर नहीं है, सूतक का कोई दोष ही नहीं है, इतना यहाँ दोष का कोई दोष ही नहीं है, तो मंदिर के कपाट खुले गई, मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। जब दोष रहेगा, जब उसका प्रभाव बनेगा, तभी तो मंदिर के कपाट बंद होगा हमारी परंपरा में। क्या फ्लोरिडा में आज का ये जो सूर्य ग्रहण है इसका किसी राशि पर कोई असर नहीं? राशि और भारत पर असर है, आप दोनों ही अलग अलग बात कर रहे हैं। पंडित जी क्या फ्लोरिडा में सूतक है? नहीं होगा, पंडित जी कह रहे हैं होगा, पहले तो आप दोनों बताइए, आप दोनों की अलग अलग राय निकल कर आ। आपको हम बता दें, काशी विश्वनाथ महावीर पंचांग जो लिखा है आपके चैनल पे यहाँ पर हम दिखा देते हैं, भारत वर्ष में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र इसमें जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ आपका चाहे श्रीलंका हो,
पंडित सुरेंद्र शर्मा जी फिर आप क्यों कह रहे हैं हाँ प्रभाव होगा, आप राशियां भी गिना रहे हैं कि ये इस राशि की कर्क राशि में, कर्क राशि में इन्होंने इन्होंने एक राशि को बोला है, उन्हीं से जान लेते हैं, वो सारी राशियों का बता रहे हैं, आप जल्दी से बताइए सब राशियों का। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई बिल्कुल गणित की बात है, क्योंकि कर्क राशि में संचरित हो रहा है सूर्य ग्रहण, और कर्क राशि में, और क्योंकि आज शनिश्चरी अमावस है, आज भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि शनिश्चरी और वो भी अमावस्या और हरियाली अमावस्या भी इसको कहते हैं सावन की। अब इसमें देखिए जिन राशियों का स्वामी वृश्चिक का स्वामी शनि है वो तो आप क्रमवार पूछेंगी तो हम बताएंगे, कुछ राशियों को बेहद फायदा हो रहा है, तीन तीन राशियों को तो बेहद फायदा। कौन सी राशियां हैं वो? मेष राशि, मंगल स्वामी, इनको बहुत लाभ धन लाभ इत्यादि की संभावना है, और कर्क ये जो आपकी जो दूसरी राशि वृषभ राशि आती है इसका शुक्र स्वामी है, तो शुक्र स्वामी वालों को इनका इनका थोड़ा जो जो है मान सम्मान प्रेम बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा खर्चा हो सकता है, और रही बात दान की तो वो दही का दान कर सकते हैं, इसके उपाय भी हैं। मिथुन राशि बुध स्वामी है, इनका भी खर्चा इत्यादि होने का चांसेस हैं, तनाव रही तो जरा सा मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर, उसके बाद आप चर्चा आगे बढ़ाएगा। ये देखिए, ये नासा की तरफ से एक नया ट्वीट आया है, एस टीम्स वर्क थ्रू दिस कंडीशन विद द पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च टुडेज विंडो ओपन्ड फॉर लिफ्ट ऑफ एट 3:33 AM ET एंड क्लोजेस एट 4:38 AM ET। मतलब भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक नासा का ये अंतरिक्ष यान जो लॉन्च किया जा सकता है। सचिन जी, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जो बात कह रहे थे आचार्य जी वो सही साबित होती है? ये आचार्य जी को कहने की जरूरत नहीं थी, ये तो विंडो जो है ये अब से करीब 10 दिन पहले से ही कैलकुलेटेड है। नहीं, आचार्य जी को कहने की जरूरत नहीं थी, आचार्य जी नासा गए थे, वो क्या आए थे और आपसे मिले थे। आचार्य जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आचार्य जी क्या बोल रहा हूँ, 65 मिनट की विंडो कि नक्षत्रियों को कभी किसी, आचार्य जी पृथ्वी भी आपकी वजह से ही घूम रही है, 2 मिनट रुकिए मुझे बात कर लेने दीजिए कि 65 मिनट की विंडो अब से 10 दिन पहले ऑलरेडी नासा की वेबसाइट पे डली हुई है। इसका मतलब क्या है अगर आचार्य जी समझा सके तो बहुत ही बढ़िया होगा, वैसे मैं समझा दूंगा, आचार्य जी ना समझा पाए तो समझा जी, इसका विंडो किसी सूतक ऊतक से लेने का कोई लेना नहीं है। सचिन जी, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आचार्य जी को उससे कोई मतलब नहीं है, नासा ने अपनी वेबसाइट पर क्या विंडो डाली हुई थी, उन्होंने अपनी गणना के हिसाब से समय बताया, और ये समय जो है नासा की तरफ से जो समय अब दिया जा रहा है दोपहर 2 से 3 उससे मेल खा रहा है, मैच कर रहा है, बात तो ये है ना सचिन जी? बिल्कुल सत्य वचन, सत्य वचन। 1 मिनट, 65 मिनट कहां से 48 मिनट से मैच कर जाएंगे, क्योंकि इतनी देर में तो बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि एक एक मिनट एक एक क्षण की गणना अगर बात हो रही है तो 48 मिनट कहां से 65 मिनट की लग्नाधिपति योग में 2 घंटे का लग्न होता है। सुनिए, देखिए भारत की पद्धति में ज्योतिष में सुन लीजिए, पहले हर 2 घंटे एक ज्योतिष साइन पे एक राशि का उदय होता है जिसको हम भारत पद्धति में ज्योतिष में लग्न मानते हैं, उस लग्न का आकार है, लग्न का स्वरूप है, लग्न के करने की प्रक्रिया है, अलग्न से सबका जीवन चलता है, वो लग्न आप नासा से लें चाहे इसरो से लें चाहे चैनल से लें। ठीक है मनीष जी, आचार्य जी ये भी तो कह सकते थे ना कि आज है ही नहीं समय, वो ये भी तो कह सकते थे ना कि शाम 4 से 5 बजे के बीच होगा, वो कोई और समय भी तो दे सकते थे ना, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके से 48 मिनट के बाद उन्होंने कहा जो कैलकुलेट करके करीब 2:15 के आसपास बन रहा था, और अब नासा की तरफ से भी कहा जा रहा है 2 से 3 बजे के बीच में लॉन्च किया जा सकता है, तो कुछ तो मेल खाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। नहीं, पंडित जी ने जो कहा वो ओपन एंडेड था, 48 मिनट के बाद, तो उसके बाद तो 2 घंटे के बाद भी हो सकता है, 65 मिनट भी हो सकता है, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन ये काल्पनिक है। क्योंकि वो दर्शक जो जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का उनकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, हम जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पंडित सुरेंद्र जी जो हमें बता रहे थे मेष राशि के लिए शुभ रहने वाला है, वृषभ के लिए आपने बताया अच्छा लगन अच्छी बनेगा माहौल जो है, मिथुन राशि के लिए भी आपने बताया कि लाभ लाएगा ये ग्रहण, खर्चा हो सकता है, मिथुन राशि खर्चा इत्यादि हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव रहित रहें, क्योंकि बुध स्वामी तो हरी मूंग का दान, मूंग की दाल का दान कर सकते हैं। उसके बाद कर्क राशि, इनको थोड़ा कर्कश है, थोड़ा संकट, थोड़ा सा बहुत घबराए नहीं, उसका साथ में ये भी दूध बहुत शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट, बहुत तो दूध का अभिषेक या इसके ग्रहण के बाद 5 बजे के बाद वो दूध का अभिषेक, सफेद चीज का दान और कर सकते हैं शिवलिंग पर। सूर्य अगला है
सिंह राशि, क्षत्रिय वर्ण की राशि है, सूर्य स्वामी है, इसमें इसमें भी थोड़ा लाभ है। और ग्रहण के पश्चात 9 दिए मंदिर में जलाएं तो शाम 5 बजे के बाद 9 दिए जलाने चाहिए। हाँ, तो समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट कन्या राशि है, कन्या राशि इसमें इसमें थोड़ा अच्छा आ रहा है, व्यापार वृद्धि आ सकती है, व्यापार इत्यादि में वृद्धि होगी। इनका इनको भी फायदा नजर आ रहा है, खिलाएं हरा खिलाएं, गौ को पालक या हरा चारा खिलाएं। शुक्र नेक्स्ट है, शुक्र है तुला राशि, थोड़ा सा तुला राशि अशांति हो सकती है, पारिवारिक अस्थिरता थोड़ी बहुत हो सकती है। तो कन्या को भोजन कराएं, सफेद वस्त्र का दान, सफेद वस्त्र इत्यादि का दान करें जी। फिर नेक्स्ट वृश्चिक आती है, ब्राह्मण वर्ण की राशि है, तो मंगल स्वामी संतान को लेके थोड़ा चिंता, वैसे लाभ इनको लाभ है, फेवर में गया है, ग्रहण इनके पक्ष में गया है। मकर राशि जल्दी से बता, मकर राशि शनि स्वामी जी। नहीं वृश्चिक के बाद तो धनु आएगा जी, धनु बता दीजिए, धनु धनु का ये थोड़ा शत्रु परेशान करें, लेकिन विजय मिलेगी, मुकदमा विजय होगा, फेवर में गया है हनुमान जी का। हनुमान चालीसा उनके लिए बता, मकर राशि शनि स्वामी, ये मकर राशि शनि स्वामी थोड़ा परेशानी हो, सब सम है भाई, इनको काले तिल इत्यादि काली चीज का दान, सब सम है, कुंभ राशि को लाभ है। चलिए चलिए ये जल्दी से एक अपडेट आपको दे देते हैं। यहाँ पर नासा की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है, द पार्कर सोलर प्रोब टीम हैज लुक्ड एट द कंडीशन विद द डेटा स्ट्रीम फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल एंड क्लियर्ड इट फॉर लॉन्च, न्यू लॉन्च टाइम इज सेट फॉर 4:28 AM। मतलब नासा की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जो अंतरिक्ष यान है उसकी जांच कर ली गई है टीम की तरफ से, और वो अब अंतरिक्ष में छोड़े जाने के लिए तैयार है। और नया समय जो नासा की तरफ से दिया जा रहा है, दोपहर 2 बजे के आसपास का समय जब इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। सूर्य ग्रहण इसी पर आज बड़ी कवरेज, शाम 4 बजे हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।